क्लास 9 हमारा चल रहा था चैप्टर 2 ज्योमेट्री का पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने किया हुआ था स्टार्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, 3 स्किप हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ, 5 स्किप हो गया। तो जो स्किप्स हमने एक एक बार अपने स्कूल में प्लीज कंफर्म कर लेना, अगर 3rd एंड 5th है तो मैं आगे के लेक्चर में करा दूंगी, स्किप्ड है तो बता देना मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो थोड़ा सा टफ है, हमने लास्ट के लेक्चर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स ये सब देखा था, अब और जो साइड थी एंगल्स वगैरह कैसे फाइंड करने थे वो भी हमने लास्ट के लेक्चर में देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ फाइंडिंग करना है, प्रूफ करना है, और प्रूफ वाले सम तो ऑब्वियसली थोड़े टफ ही होते हैं। अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और एक्स वाई जेड ये दोनों एंगल सेम है, ब्लक तो नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा। हमको दिया क्या है, साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो अभी हम सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको, इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहां लिख देते हैं एम, एक्सटेंड साइड वाई जेड सच दैट इट इंटरसेक्ट्स साइड पी क्यू एट पॉइंट एम। हमने क्या किया, वाई जेड को इस तरह से एक्सटेंड किया कि ये पॉइंट एम पर कट करे, क्यों किया ताकि ये प्रॉपर पैरेलल लाइन दिखे। अभी ये जो आपका वाई जेड है पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ, अब देखते हैं गिवन, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई एंड साइड क्यू आर इज पैरेलल टू साइड वाई जेड, दोनों एंगल के साइड बोला हुआ है पैरेलल। तो एक पी क्यू साइड है, एक क्यू आर, एक्स वाई है और एक वाई जेड, इतना लीजिए। अब प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू आर सिमिलर टू एंगल एक्स वाई जेड, और ये हमको प्रूफ करना, हमेशा कंस्ट्रक्शन गिवन प्रूफ वगैरह सब कुछ लिख देना जब भी प्रूफ वाले सामने है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, वो कैसे करेंगे, फर्स्ट आपको क्या दिया होगा, क्यू आर इज पैरेलल टू वाई जेड और हमें इसको एक्सटेंड भी कर दिया, तो अब सिर्फ इन दो लाइन्स पे जाना, इसको डार्क करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वाला और ये वाली लाइन, बाकी साइड भूल जाओ, ये भूल जाओ। तो ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर। अब अगर मैं ये साइड भूल जाऊँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये इसके से मिलर है, ये इसके से मिलर है, तो बीच वाले को हटा दो, ये इसके से मिलर हो जाएगा, मैं लिख के बता रही हूं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, टू प्रूव गिवन, कौन सी साइड लेनी है पहले, वाई जेड और क्यू आर, साइड क्यू आर इज पैरेलल टू साइड वाई जेड एंड ट्रांसवर्सल कौन सा लेना है, पी क्यू, क्योंकि पी क्यू की वजह से ये दो एंगल बन रहे हैं, साइड पी क्यू इज Therefore, एंगल कौन सा एंगल, एक है पी एम जेड इज सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर, इसको नंबर लिखेंगे 1 और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, हमने क्या किया, हमें ये दो साइड थी उसको ट्रांसफर चल गया, ये वाली साइड चाहिए तो पेंसिल से बना के रफ कर देना, पहले फिगर जो ड्रॉ करोगे तो रफ कर दो, हटा दो, चलो इस साइड को हटा दो। तो हमारे पास है ये दो साइड और ये है ट्रांसफर सर, तो ये लाइन और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर। अब ये साइड है ना वैसे भी, तो अब क्या लेना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को लेना है, इस साइड को रफ कर दो, तो ये दोनों पैरेलल, ये लाइन है, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। साइड रफ करके सिर्फ देखना है, साइड सच में रफ नहीं करना, फिगर तो वैसे की वैसे ही रहने वाला है पी क्यू आर। तो अब हम लोग क्या लेंगे, साइड कौन सी ले रहे हैं, हम लोग क्यू आर ऑलरेडी ले चुके हैं, पी क्यू और एक्स वाई, पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एक्स वाई एंड
ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा, एक्स वाई और पी क्यू वाई जेड, साइन वाई जेड इज ट्रांसवर्सल फॉर्म ऑफ एंगल से होगा पी एम जेड इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड, इसको नंबर डालेंगे टू रीजन है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अभी हमको वन एंड टू से क्या पता चला कि पी एम जेड पी क्यू आर का भी सेम था, पी एम जेड एक्स वाई जेड का भी सेम था, इसलिए पी क्यू आर और एक्स वाई जेड भी सेम है. देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एंगल एक्स वाई जेड फ्रॉम वन एंड टू, हेंस हमको ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया. आपको क्या करना है, एक बार एक साइड को पैरेलल लेना है, दूसरी बार दूसरी साइड को पैरेलल लेना. तो पहले हम लोगों ने वाई जेड और क्यू आर को पैरेलल लिया, इसका ट्रांसवर्सल था पी क्यू. तो यहाँ पर दो एंगल्स बने, यहाँ पर यहाँ पर, एक यहाँ एंगल बना था और एक यहाँ पर एंगल बना था, एक ये एंगल था और एक ये एंगल, दोनों सेम थे करस्पॉन्डिंग की वजह से. फिर हमने लिया एक्स वाई और पी क्यू, तो एक एंगल यहाँ बन रहा था और एक एंगल ये वाला ऑलरेडी था, ये दोनों में सेम थे, तो ये इसके सेम, ये इसके सेम, ये आ गया, ये दोनों सेम सेम थे. तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया. तो अभी आपका 2.1 कंप्लीट हुआ. अब चलते हैं 2.2. 2.2 में हम फोर सम्स ही करने वाले, इजी इजी है. फिफ्थ एंड सिक्स थोड़ा सा रफ है, एंड फिफ्थ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2.2 का फिफ्थ सम, सिक्स सम एंड प्रॉब्लम सेट में से भी एक दो सम टफ है वो मैं करा के दूंगी. अब 2.2 में स्टैंडर्ड सम्स को बहुत टाइम पास है. वाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल वाई प्लस एंगल एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस टू 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 170. अब आपको बोला क्या है कि जस्टिफाई करो कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन और नॉट. 71 109 कितना होता है 179, और एक्स और वाई को देख करके अलग रहता है कि इंटीरियर पैर है, इंटीरियर पैर है तो इक्वल्स टू 180 होना चाहिए था. दैट इज एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज नॉट इक्वल्स टू 180. देयरफॉर एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर नॉट इंटीरियर एंगल्स. एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स. देयरफॉर जो लाइन एम है वो लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू लाइन एन, क्योंकि लाइन एम और एन के पैरेलल होने के लिए ये इनका इंटीरियर एंगल होना जरूरी था, और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं. एंगल एक्स एंड एंगल वाई इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री. यहाँ पर एक वर्ड डाल देना, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री. और पैरेलल होने के लिए इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं थे, इसलिए दोनों लाइन्स भी पैरेलल नहीं है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर. क्वेश्चन नंबर टू में आपको ए और बी सिमिलर दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि लाइन एल और लाइन एन जो है वो पैरेलल. अब लाइन एल और एन में जो ए और बी डी है ना वो कोई भी पैरेलल नहीं है, तो हम यहाँ पर जैसे एक्स और बनाकर रखते हैं. गिवन एंगल ए इज सिमिलर टू एंगल बी, प्रूफ क्या है हमने, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन. यहाँ पर हमको जस्टिफाई करना था, प्रूफ प्रूफ नहीं करना था, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं, यहाँ पर हमको प्रूफ कर लिया. अब आपको ये एंगल बी और एंगल एक्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी वर्टिकली ऑपोजिट. और वर्टिकली ऑपोजिट के लिए ना कोई पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन नहीं चाहिए, एक लाइन है एक लाइन, एक ही लाइन है, दूसरी लाइन तो हमें नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट. और आपको दिया क्या है कि एंगल ए इज सिमिलर टू एंगल बी गिवन. इन दोनों से क्या लिख सकते हो कि एक्स और ए भी सेम होंगे, एक्स और ए भी सेम होंगे, इसको नंबर दिया वन, इसको नंबर दिया टू. एक्स इज सिमिलर टू ए फ्रॉम वन एंड टू. अब एक्स और ए के बीच रिलेशन है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एज एंगल एक्स एंड एंगल ए आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. एंगल एक्स और एंगल ए दोनों सिमिलर प्रूफ किया हम लोग ने,
और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए हम लोग बाई करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बोल सकते हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब यहाँ पर भी आपको गिवन प्रूफ लिखना है पहले, तो सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज सिमिलर टू एंगल बी, एंगल एक्स इज सिमिलर टू एंगल वाई। प्रूफ क्या करना है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, या आपको तीन लाइन दी है एल एम एन, ए और बी के बीच का रिलेशनशिप है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एल और एम सेम सेम हो जाएगा। एक्स और वाई किस पे बनी हुई है, एम पर और एन पर, इनके बीच का भी रिलेशन है अल्टरनेट एंगल, तो एम और एन भी पैरेलल हो जाएंगे। जब एल एन के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, एल और एन भी तो पैरेलल ही होगा, वही एक चीज लिखते जाएंगे। प्रूफ क्या करना है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, एंगल ए इज सिमिलर टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी सिमिलर है ये आपको गिवन है, देयरफॉर एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर लाइन और एंगल ए और एंगल बी इस पे बन रहे एल एल एम, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, करेस्पॉन्डिंग एंगल एस। और इसका नंबर ले लिया वन। सिमिलरली आपको क्या लिया हुआ, एंगल एक्स इज सिमिलर टू एंगल वाई, और एंगल एक्स और एंगल वाई के अल्टरनेट, ये दो पैरेलल लाइन है और बीच में से ट्रांसवर्सल जा रहा है, एंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई यहाँ पर एज एज एंगल एक्स एंड एंगल वाई का अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर लाइन एम एंड एन भी पैरेलल है। इसको लगा देना टू और इसको भी क्या रीजन, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो हमको वन एंड टू से क्या पता चला, फ्रॉम वन एंड टू जो लाइन है एल वो पैरेलल है लाइन एम के, और एम पैरेलल है लाइन एन, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल विद लाइन एन, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था, अगर तीनों लाइन को एक दूसरे के पैरेलल वाला प्रूफ किया, लास्ट में जो दो लाइन हमको चाहिए वो पिक करना। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ होता है, और हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर देखो उनके मुकाबले थोड़ा टफ है, रियल नंबर इंपैक्ट इजी का, अलजेब्रा के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इजी होते हैं, ज्योमेट्री टफ होता है, तो प्लीज फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करना, जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से एंगल्स चेक करना, एंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब दिख रहा है कि ये हम प्रूफ कर सकते हैं वगैरह सब कुछ ठीक है, बट अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे मार्क्स सॉल्व कर जाएंगे, तो प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखना चाहिए। तो वीडियो दो बार देखना, एक बार आप देखकर लिखो वीडियो में, नेक्स्ट टाइम खुद वापस प्रैक्टिस करना बिना देख के समझ करने, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखना नहीं आया ना तो मार्क्स जाएंगे, और ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, और सबसे ज्यादा जो टफ पड़ती है ज्योमेट्री को इसी रीजन से पड़ती है, मतलब दिखता सब कुछ है करना पता है लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो एक बार देख के लिखना एक बार बिना लिखना। और लास्ट ये जो प्रैक्टिस है 2.2 का, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवा, प्रैक्टिस है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है, अब तक हमने जो किया था इजी सीखा। अब इसमें आपको ये डायग्राम दिया है, ये डॉटेड लाइन्स है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए बोला हुआ है, डायग्राम में नहीं दिया क्या था आपको कि रे बी ए, ये जो बी ए है ये पैरेलल है रे बी ई की, और एंगल सी दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल डी दिया हुआ 100 डिग्री, और हमको निकालना है एंगल बी ए बी सी। तो अब आपको ऑलरेडी हिंट दी थी सम में, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू लाइन ए बी, ए बी की तरह पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने सी से, और उसको नाम दिया हमने एन, एंड एक्सटेंड ए बी, और ए बी को एक्सटेंड करके हमने नाम क्या दिया एन। तो अब हमारे पास तीन लाइन, क्योंकि ये जो डी ई थी वो ऑलरेडी ए बी के पैरेलल थी, तो लाइन एल एन के पैरेलल है, और ये कंस्ट्रक्शन से हमने बना दी ये तीनों लाइन पैरेलल बना दी। अब क्या करना है हमको, ये एंगल निकालना है। अब
इस एंगल के लिए ना हमको पहले ये एंगल चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये मिलेगा। स्टेप्स कैसे करने हैं, फर्स्ट हम ये एंगल निकालने का ट्राई करेंगे। ये एंगल कैसे निकलेगा, अब जो लाइन एल है और जो लाइन एम है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये और ये ट्रांसवर्स रेडी से इंटीरियर एंगल है ना, उतर सकता है। तो यहाँ पर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन, सॉरी लाइन एम है, इज पैरेलल टू लाइन एम एंड सेगमेंट बी सी इज ट्रांसवर्स। अगर इतना पहला लेक्चर स्किप किया होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा। पैरेलल लाइन होती है, इस तरह से ट्रांसवर्सल होता है, तो ये जो एंगल इंटीरियर बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एल है, ये एन है और ये अंदर, ये दो एंगल्स बन रहे हैं। देयरफॉर एंगल डी प्लस, अब इसको हम सी नहीं लिख सकते क्योंकि सी तो ये वाला है, उसको क्या लिखेंगे, डी सी वाई। चलिए इसको भी पूरा लिख लो, EDC और एंगल बोलते हैं डी सी वाई इक्वल टू 180 रीजन इंटीरियर एंगल्स। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला है डी सी वाई ईडीसी या उसको हम एंगल डी लिखते हैं। अभी कितना लिया होगा एंगल बी, 100 मिल जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी वाई मिला हमको, 100 को शिफ्ट करो 80 डिग्री और उसको नंबर डाल दिया 1 और एंगल उसको बी सी वाई। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ये पूरा एंगल कैसे करेगा, अपना एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी वाई, ये पूरा एंगल मिलाकर क्या बन रहा है आपका, एंगल बी सी वाई इज इक्वल टू एंगल बी सी वाई। हमने क्या किया, पहले हमने ये फाइंड किया, ये फाइंड करके हमको मिला 80 डिग्री। अब ये पूरा एंगल कैसे बनेगा, 50 प्लस 80, तो बी सी डी एंड बी सी वाई दोनों को ऐड कर दो तो पूरा एंगल बन जाएगा बी सी वाई। इसका रीजन ये कहेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। हमारे पास बी सी डी है, दिया हुआ है ऑलरेडी 50 डिग्री और डी सी वाई अभी हमने निकाला 80 डिग्री टू बी सी वाई। तो देखो बी सी वाई एंगल कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री। इसको डाल दो नंबर 2। ये 80 डिग्री यहां से मिला फ्रॉम 1 एंड गिवन, 1 से लिया हमने 80 डिग्री और बी सी डी दिया था गिवन। अब ये इतना सब क्यों निकाला हमने, बी सी वाई को निकाला 100 डिग्री क्यों निकाला। अब बी सी वाई और ये एंगल के बीच में रिलेशनशिप है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना, एम और एम पैरेलल है और यहाँ पर एक आपका जेड बन गया अल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन कौन कौन सी पैरेलल है, एम इज पैरेलल टू एन और ट्रांसवर्सल किसको लिया, बी सी को एंड सेगमेंट बी सी इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle BCY is similar to angle ABC, जो हमको चाहिए अल्टरनेट एंगल। BCY तो अभी हमने निकाला 100 डिग्री, तो हमको ABC मिला from 2। Therefore, angle ABC कितना बन गया हमको, 133। एक बार वापस बता रही हूँ क्या किया, ये सब थोड़ा सा है टफ, प्लीज ध्यान से देखना। हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हिंट दिया हुआ था, हमने एक एम को एक्सटेंड कर दिया और एक एन ड्रॉ कर दिया। एन क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जब तक हम एन नहीं बनाओगे हमको एंगल के लिए जो एक साइड और चाहिए तो मिलेगी नहीं। फिर हमने क्या किया, ये दो लाइन को पैरेलल लिया, एल और एन को पैरेलल लिया, पैरेलल लिया हमने ये इंटीरियर एंगल से निकाला, ये 80 डिग्री। फिर एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से ये पूरा एंगल निकाला। ये पूरा क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको एबीसी चाहिए और एबीसी है अल्टरनेट एंगल बी सी वाई का। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो था आपका अल्टरनेट एंगल था। तो हमने बी सी वाई निकाला और फिर बताया कि बी सी वाई और एबीसी सेम है अल्टरनेट एंगल, इसलिए हमको एबीसी का वैल्यू मिल गया 130 डिग्री। यहां पर हम प्रैक्टिस 2.2 को स्टॉप करते हैं, आगे के सम्स और टफ है,
तो प्लीज अपना रिवाइज करो और मैं आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट रखूंगी पहले पैरेलल लाइन का, उसके बाद आगे सब करूंगी।